हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी दुबे, अकेला पत्रकार, नौजवान दर्पण, न्यूज चैनल एंड समाचार पत्र। एक लेख है जो आपको सुना रहा हूं। सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो पता चलता है कि लोग कितने परेशान है। कोई पानी के लिए दौड़ लगा रहा है, कोई सब्जी के लिए भाग रहा है, कोई आटे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कोई किराना राशन के लिए भागता फिर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इस कोरोना काल में आम आदमी कितनी परेशान है और कोई का ध्यान नहीं है। वह निर्धन गरीब जिसके पास रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और न रोजगार का कोई साधन है, वो बेचारा कहाँ जाए? उसको तो कोई भीख भी नहीं दे रहा कि चलो भीख मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट भर ले, मगर वह भी नहीं। जिनके पास दौलत है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो राशन पानी भरी पड़ी है। मैंने बाजार में देखा है और इस समय लॉकडाउन में भी दिख रहा हूँ, निर्धन गरीब बेसहारा लोग सुबह सुबह कैसे अपनी रोटी रोजी के लिए भटकते फिरते हैं। मगर खेद का विषय है कि मुझे अभी तक कोई वीआईपी नहीं दिखा, कोई मीडिया वाला नहीं दिखा, कोई अफसर नहीं दिखा, कोई कार वाला नहीं दिखा। मैंने जो भी देखा निर्धन गरीब आम आदमी को ही भटकते देखा है, जिसकी हमारे भारत में 80% है, जो 20% अमीरों के सामने हाथ में कटोरा लिए खड़ी है। मगर शायद ये अमीर पसीजे तब ना। यहाँ शायद आपने भी गौर किया होगा कि इस समय किसी भी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन के कर्ता धर्ताओं का कोई अता पता नहीं। अपने ग्वालियर में 66 वार्ड है और 66 पार्षद हैं, उस पर 6-7 विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य तक हैं। और इन लोगों को पास विकास निधि के नाम पर करोड़ों रुपया है जो सरकार दे रही है। वही हमारे जिला कलेक्टर को इस कोरोना काल में खर्च करने हेतु 1 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। क्या इन लोगों को मानव भलाई हेतु खर्च करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से इस समय आवश्यकता है कि लोगों की भलाई करना चाहिए। अलावा इसके 3 माह का राशन मुफ्त देने की शिवराज सरकार घोषणा भी कर दी है, जो अप्रैल मई जून तक मिलेगा। ऐसे ही मोदी ने भी घोषणा पहले की थी। क्या किसी गरीब को मिला? और फिर मैं कहता हूं, सरकार गरीब किसको मानती है? किसके पास गरीबी रेखा का कार्ड, राशन कार्ड हो? अरे राशन कार्ड तो अमीरों के पास ही है, गरीब के पास तो है ही नहीं। चलो इसको छोड़िए, मगर नेताओं को मानवता के खातिर इस कोरोना काल में जनता की मदद करनी चाहिए, सो वो भी नहीं। एक भी विधायक, एक भी पार्षद, एक भी पार्टी के नेता ने जनता की मदद के लिए हाथ नहीं उड़ाया है। क्यों? जब चुनाव आते हैं तब वोट मांगने के लिए कैसे मदद मांगने आ जाते हैं, अब क्यों नहीं आ रहे? क्या कोरोना लग जाएगा, कोरोना खा जाएगा? वारी राजनीति इतनी गिर सकती है, ये हमने सोचा भी नहीं। धन्यवाद।